हेलो एवरीवन, दिस इज़ एक्ला फिफ्थ जी के। सो टुडे वी हैव स्टार्टेड चैप्टर सेकंड। सो आवर चैप्टर सेकंड इज़ इंडियन सिटीज़ ऑन रिवर बैंक्स, मींस ऐसी इंडियन सिटीज़ जो रिवर्स के बैंक, मींस होता है किनारा, रिवर्स के किनारे पाई जाती है। सो देयर आर मेनी सेवरल ब्यूटीफुल सिटीज़ आर सिचुएटेड ऑन रिवर बैंक्स। सो हियर इज़ द राइट द नेम्स ऑफ द रिवर टू कम्प्लीट द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर कुछ रिवर्स के नेम दिए गए हैं, तो हमें सेंटेंस को कम्प्लीट करना है। सो फर्स्ट नंबर, वाराणसी, प्रयागराज एंड पटना स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इज़ गंगा। तो ये सिटीज़ कौन सी नदी के किनारे पाए जाते हैं? गंगा। सेकेंड नंबर, गुवाहाटी एंड दीपुग्राह स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। दिस सिटीज इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इज ब्रह्मपुत्र। थर्ड नंबर, न्यू दिल्ली एंड आगरा ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इज यमुना। दिस सिटीज इज सिचुएटेड इन रिवर यमुना, रिवर यमुना के किनारे पाए जाते हैं ये। फोर्थ नंबर, अयोध्या स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सरयू। फिफ्थ नंबर, लखनऊ स्टैंड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गोमती। सिक्स्थ, कटक स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर महानदी। सेवन्थ नंबर, राजमहा त्रिवेंद्रम स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी। विजयवाड़ा स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर कृष्णा। त्रिचुपल्ली स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर कावेरी। सूरत स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ताप्ती। भरूच स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा। ट्वेल्थ नंबर, कोटा स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर चंबल। सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू हैव कंप्लीट योर बुक एंड रीड केयरफुली। नाउ वी हैव थर्ड चैप्टर। Our third chapter is Museums in India. So in this chapter we study about the different museums are present in our India. What is the museum? Museum kya hota hai? A museum is a building in which interesting and valuable objects are kept and displayed. Museum ek building hoti hai jahan par interesting or valuable object ko display kiya jata hai, show kiya jata hai. So read the description, identify the museum and write their names. Description ko read karenge, then identify the museum and write their names. First number, the National Museum. First number mein aapka National Museum hoga. Is in New Delhi. The museum has around 20,000 work of arts covering a time span of over 5,000 year. यहाँ ये नेशनल म्यूज़ियम आपका न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है एंड दिस म्यूज़ियम हैज़ अराउंड 20,000 वर्क ऑफ आर्ट्स एंड कवरिंग द टाइम स्पेन ऑफ ओवर 5,000 ईयर। सेकेंड नंबर, द सलर जंग म्यूज़ियम इज़ इन हैदराबाद तेलंगाना। इट हैज़ द लार्जेस्ट वन मैन कलेक्शन ऑफ एंटीक्स आर प्रेजेंट इन दिस म्यूज़ियम। The museum exhibit objects ranging from 2nd century BC and early 20th century AD के बीच की चीज़ें यहाँ पर शो हैं। In third number, Kolliko Museum of Textile is in Ahmedabad, Gujarat. It has a great collection of beautifully designed fabrics dating back to the 17th century. ये टेक्सटाइल म्यूज़ियम, टेक्सटाइल मीन्स कपड़ों से, फैब्रिक से जुड़ा हुआ म्यूज़ियम है, यानी कि 17th सेंचुरी में किस टाइप के लोग कपड़े यूज़ करते थे, किस टाइप का फैब्रिक यूज़ करते थे। फैब्रिक मीन्स कॉटन था कि नायलॉन था कि शिफॉन था, विच टाइप ऑफ फैब्रिक आर यूजिंग इन 17th सेंचुरी, दैट दे आर शोइंग इन दिस म्यूज़ियम। इन फोर्थ नंबर, द छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय इज़ इन मुंबई, महाराष्ट्र। इट हैज़ अ यूनिक कलेक्शन ऑफ इंडियाज आर्कोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल ट्रेजर। दिस म्यूज़ियम इज़ सिचुएटेड इन मुंबई, महाराष्ट्र।
इट इज़ अ यूनिक कलेक्शन ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरिकल ट्रेजर. आर्कियोलॉजिकल मीन्स होता है पुरातत्व, ठीक है, पुरानी चीज़ों को जो आर्कियोलॉजिकल्स का आपने नहीं सोचा, दिस इज आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पुरानी चीज़ों को खोज करते हैं, हिस्टोरिकल ट्रेजर है. फिफ्थ नंबर, द नेपियर म्यूजियम इज इन त्रिवेंद्रपुरम केरला. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडियन ब्राउन स्कल्पचर एज वेल एज आर्टफैक्ट ऑफ केरला. यहाँ पर आपको इंडियन ब्राउन स्कल्पचर के कलेक्शन देखने को मिल सकते हैं. इन सिक्स नंबर, द इंडियन म्यूजियम इज इन कोलकाता वेस्ट बंगाल. इट इज़ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट म्यूजियम इन इंडिया. इट हैज़ द फाइनेस्ट कलेक्शन ऑफ आर्ट एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिस्टिंक्ट पास्ट. यहाँ को आपको पास्ट के फाइनेस्ट कलेक्शन और आर्ट देखने को मिल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के, और ये इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना म्यूजियम है. सो डैट्स ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू हैव प्लीज़ कम्प्लीट बोथ द चैप्टर्स, ओके. एंड हियर इन टॉप डेफिनेशन इज देयर म्यूजियम. ऑल ऑफ यू हैव राइट दिस डेफिनेशन इन योर कॉपी. इन योर कॉपी नो नीड टू राइट होल चैप्टर, ओनली डेफिनेशन यू राइट इट, ओके. पुट द हेडिंग, आप हेडिंग डालेंगे म्यूजियम, देन यू राइट दिस डेफिनेशन. Here is the definition in top of the chapter. A museum is a building in which interesting and valuable objects are kept and displayed. That type you write it. Okay. So all of you. So that's all for the day. So thank you and have a nice day.